औज़ बिल्लाह मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम आई फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी अभी एक न्यूज़ मिली है, अच्छी न्यूज़ है, तो मैंने कहा चलो जितनी जल्दी हो सके दोस्तों के साथ शेयर करूँ। इन दिनों आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से बड़े प्रॉब्लम बनी हुई हैं, लोगों में मुश्किल का शिकार हैं लोग। तो पहले भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो उससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो अभी भी एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है कि जो लोग मुख्तलिफ शॉप पे और होटल्स वगैरह पे या इस तरह का कोई ऐसा बिजनेस कर रहे थे जो कि उनका मुतासर हुआ है कोरोना, यह जहरी बात है सबका मुतासर हुआ है, लेकिन जो एक ख़ुद भी हर बंदा अपनी जजमेंट कर सकता है ना, तो जो समझता है कि यार मेरा बिज़नेस मुतासर हुआ है और वाकई ही ऐसा है, तो वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकता है। तो आप लोगों से बस ये इल्तमास है कि कोशिश करें कि आप किसी का हक ना लें, अगर आप इस चीज़ के अहल हैं तो आप इसमें जो है ना शिरकत करें, वरना किसी का हक ना लें। तो जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, और जितनी जल्दी हो सके आपने जो है ना रजिस्ट्रेशन भी करवानी है। तो लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और साथ आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो मेरी तरह दोस्त पढ़े लिखे हैं जो इस तरह के जो जिनके पास मतलब हर बंदे के जरिए बात है, आपको पता है हर बंदे के पास सेलफोन भी नहीं है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराए, ये वो ऑनलाइन नहीं करा सकता है। तो ऐसे दोस्त जिनके पास सेलफोन है और वो अपने नेट के ज़रिए मतलब किसी भी तरीके से कंप्यूटर के ज़रिए जो है ना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें तो करें। तो इसमें करना बस ये है कि एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, जिन लोगों को पहले एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत जो हेल्प मिल चुकी थी, तो वो बरए मेहरबानी इसमें रजिस्ट्रेशन ना कराएं, क्योंकि वो फिर उनको मैसेज आ जाएगा कि वो एल नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके दोस्तों इसमें शिरकत करें, और जो दोस्त आप समझते हैं कि यार जो बंदे इस एल हैं तो आप लोग भी इस कार खैर में अपना हिस्सा ले के जो है ना उनकी हेल्प करें। तो बस यही कहना था, यही आज की वीडियो थी। तो शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, जैसे ही कोई अपडेट होगी तो मैं इंशाल्लाह जो है ना वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।